हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कोई भी इंसान फिल्म देखकर सक्सेसफुल इंसान भी बन सकता है तो कोई अपनी जिंदगी नरक भी बना सकता है। लेकिन आज ये 15 अमेजिंग जबरदस्त डायलॉग जो आपको जीवन में कामयाब होने के लिए मजबूर कर देंगे, सोचने पर मजबूर कर देंगे। गारंटी है कि आप इनको हर रोज सुनना, आपकी सोच ना बदल जाए तो कमेंट में आके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो में मगन होने से पहले हमारी लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, घंटी वाला बटन जरूर जरूर दबा लेना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला डायलॉग है कि जंग हथियारों को लगती है, इरादों को नहीं। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, दूसरा डायलॉग, लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है कि जीवन में कभी रिस्क ना लेना। इसलिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। इसलिए लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना, अगर कुछ उखाड़ना चाहते हो तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। तीसरा, फिल्म मांझी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने खुद की लाइफ में बेशुमार संघर्ष किया है, कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता वो हमारे भरोसे बैठे हो कि कुछ हम करें तब वो भी कुछ करें। इसलिए जीवन में दिल से मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। हो सकता है उसका आपको किसी और तरीके से फल मिले। चौथा, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल। कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। इसलिए अपने अंदर ऐसे स्किल्स पैदा करो जो सक्सेस के लिए जरूरी हो। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। पांचवा, विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। इसलिए कभी भी अपनी कामयाबी को अपने दिमाग पर सवार ना होने दे। छठा, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस मैं रुकना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, कामयाबी के सफर में आपको बहुत तकलीफें होंगी, बस आपको रुकना नहीं है, बस आपको रुकना नहीं है। सातवां, जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है अपना कर्तव्य दिखाने का। दोस्तों, कभी बल्ब का जलना नामुमकिन था, कभी जहाज का उड़ना नामुमकिन था, लेकिन जिसने ठान लिया उसने वो करके भी दिखा दिया। दोस्तों, आठवां, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। दोस्तों, आप में कितनी हिम्मत है ये आपकी बातों से नहीं, आपके कामों से दिखनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, फोकस ऑन योर कर्मा। और दोस्तों, नौवां, असली रेसलर वह नहीं होता जो मेडल उठाए, बल्कि असली रेसलर वो होता है जो जिंदगी से लड़े और उसे हरा दे। इसलिए जीवन में कभी हार ना मानो, कामयाबी के लिए हमेशा लड़ते रहो, सक्सेस के लिए हमेशा लड़ते रहो। दोस्तों, दसवां, बाबू मोसाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्तों, जिंदगी भले ही छोटी हो पर एकदम मस्त हो, ऐसी जिंदगी हो कि हम सब खुल कर जी सके। दोस्तों, ग्यारहवां, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हमारी खराब संगत से ले सकते हैं।
कितने मजे आते हैं ना, लेकिन दूर का सोचकर देखो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों 12वां, कहते हैं अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों इसलिए कोई भी काम करो तो पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से करो और फिर देखो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों 13वां, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर और लूजर। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। इसलिए दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, हमें तो विनर ही बनना है, हम तो विनर ही बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो विनर ही बनेंगे। दोस्तों 14वां, ये एक बात याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल तुझे लोग भूल जाएंगे, और गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी मिसाल, और मिसालें दी जाती हैं भूली नहीं जाती। दोस्तों इसलिए जीवन में हमेशा अपना बेस्ट दे बेस्ट, मिसालें आपकी दी जानी चाहिए ताकि दुनिया आपको याद रखे। और दोस्तों 15वां, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद ना हार जाओ, और खुद तो हम हारने वाले नहीं हैं दोस्त, हम जीतेंगे। कामयाबी हमारी है, कामयाबी पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। दोस्तों इसको हर रोज सुनना और मुझे फिर कमेंट में जरूर जरूर बताना कि ये डायलॉग कौन कौन सी फिल्म से हैं। दोस्तों आपकी सक्सेस ही मेरी कामयाबी है। अच्छी लगे तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वंटी वाला बटन भी जरूर दबा लें। आपका कोई विचार हो, आपकी कोई सलाह मशवरा हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और आखिर में फिर वही एक बार, कामयाबी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।